ऊंची दोस्ती, समुंदर से गहरी प्रीतों की। जैसे आपको पता है कि नेपाल और इंडिया के तालुकात कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है इनकी तालुकात के अंदर, तो कभी ठीक तो कभी ख़राब होते हैं। वैसे एक नेपाली सिंगर्स ने एक नेपाल और भारतीय दोस्ती का एक सॉन्ग रिलीज़ किया है 2 दिन पहले, तो हम उसको सुनते और देखते हैं कि यार नेपाल और इंडिया की दोस्ती का यह सॉन्ग कैसा है और किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है, नेपाली के अंदर है या हिंदी के अंदर है। आइए स्टार्ट करते इस वीडियो सॉन्ग को। नेपाल फ्लैग आया है, इसके बाद इंडियन फ्लैग है। ओके, इंडिया की रिप्रेजेंट कर रहा है, नेपाल की रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेपाल कंट्री कैसी है, एंड इंडियन किया भी कि ये लोग किस तरीके से दिखाई देते हैं, इनकी कल्चर को, बेसिकली कल्चर को दिखाया गया है। म्यूजिक भी दोनों कंट्री, नेपाल भारत की दोस्ती आज की नहीं है सदियों की, नेपाल भारत की दोस्ती आज की नहीं है सदियों की, हिमालय से ऊंची दोस्ती, समुंदर से गहरी प्रीतों की, नेपाल भारत की दोस्ती आज की नहीं है सदियों की। क्या बात है, क्या बात है। जमीन में सीमा है तो क्या, दिलों में है एक सी संस्कृति, भेदभावों को भूल कर करते रहेंगे बंदगी, हो जमीन में सीमा है तो क्या, दिलों में है एक सी संस्कृति, भेदभावों को भूल कर करते रहेंगे बंदगी, हिमालय से ऊंची दोस्ती, समुंदर से गहरी प्रीतों की, नेपाल भारत आज की नहीं है सदियों की। जब तक रहेगी धरती तब तक रहेगी दोस्ती, भूल कर सारी दूरियां, मारा वीडियो छोड़ो मारा लूं कोनी खड़ा करू भी उल्टा कहीं करना लूं देते देखो चकेरे शुरू करी दी। जब तक रहेगी धरती रहेगी दोस्ती, भूल कर सारी दूरियां, करते रहे हिमालय से ऊंची दोस्ती, समुंदर से गहरी प्रीतों की, नेपाल भारत की दोस्ती
आज की नहीं है सदियों की। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आपको पता चल गया कि नेपाल भारत की ये दोस्ती कैसी थी। लाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कि हिमालय से ऊंची ये दोस्ती, समंदर से गहरी ये दोस्ती, तो ये काफ़ी लाइन ज़बरदस्त थी। हम बात करें नेपाल और इंडिया की तालुकात की, तो ये कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो इनके तालुकात कभी सेट रहते हैं, कभी सेट नहीं रहते, तो ये होता रहता है इनके बाद। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि इनके तालुकात काफ़ी डाउन की तरफ गए, फिर थोड़े से ऊपर हुए, अब फिर से थोड़े डाउन की तरफ जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम के थ्रू, जो गोरखा के लिए नेपाल ने मना किया। एक अच्छा भी एकदम है नेपाल की तरफ, क्योंकि एक बंदा अपनी 4 साल जिंदगी जो है आर्मी के अंदर गुजारे और फिर उसके बाद उसको एक फिक्स रकम दी जाए 10 लाख 8 लाख रुपए, वो 4 साल की ज़िंदगी ख़राब कर लेगा। तो इससे अच्छा क्या है, कम से कम 12 साल की तो की जॉब हो, ताकि वो 12 साल तक तो कुछ ना कुछ करे और फिर जब एंड में वो रिटायर हो जाए तो उसको पेंशन भी तो मिलता रहे। बट नहीं, इंडियन आर्मी ने इस चीज़ को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद नेपाल आर्मी ने इस चीज़ को ख़त्म किया और इसी की वजह से ये ताल्लुकात ख़राब हुए। खैर, हम बात करें सॉन्ग की, तो ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा था। पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ था और साइडों पे ऊपर भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से एनिमेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, क्योंकि बैक पे वीडियोज़ और पिक्चर एनिमेट हो रही थी, साइडों पे भी हो रही थी, क्लोजअप शॉट्स से क्लोजअप शॉट के साथ उन्होंने पीछे कंट्री के फ्लैग्स वगैरह लगाए थे। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने ये सॉन्ग को बनाया गया है। लो बजट सॉन्ग था और लो बजट ही दिख रहे, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के पीछे आप लो बजट ही कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन तो इंसान तब यूज़ करते हैं कि कोई हाई फाई फिल्म हो या कोई लो बजट का कोई सॉन्ग या वीडियो आ रहा हो कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।